नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube चैनल अभ्यास एजुकेशन में। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा था। थंबनेल से आपको मालूम चल ही रहा होगा कि हम लोग जब आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट लेसन है। हेडिंग है वो ए लेटर टू गॉड। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ए लेटर टू गॉड। स्टार्ट कर रहे हैं ये टॉपिक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन फर्स्ट है, जो कि मेंशन है ए लेटर टू गॉड। तो ये जो स्टोरी है बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये ए लेटर टू गॉड जो स्टोरी है उसको लिखा है जी एल फ्यून्स ने, और जिसका पूरा नाम हो गया ग्रिगोरियन लेपुल लोपेज फ्यून्स। ओके, और ये एक मैक्सिकन राइटर है जो कि मैक्सिकन लैंग्वेज में इस पूरा जो है टॉपिक को लिखा गया था। देन बाद में कोई अदर राइटर ने इसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिखा है। सो ये जो बेसिकली ये जो कहानी है वो स्टार्ट होता है, ये स्टोरी डिपिक्ट्स द इन्फिनिटी फेथ ऑफ मैन टू गॉड। इस कहानी में यहाँ पे जो कैरेक्टर यूज हुआ है वो उस कैरेक्टर का गॉड के प्रति क्या फेथ है उसके बारे में दर्शाया गया है, उसके बारे में डिपिक्ट्स किया गया है। सो इसमें बेसिकली तीन कैरेक्टर्स जो हैं वो एक लैंचो है जो कि एक फार्मर होता है, देन दूसरा जो पोस्टमैन होता है जो पोस्ट ऑफिस के अंदर काम करता है, पोस्ट ऑफिस में काम करता है लेटर लाने ब्रिंग करने का, और जो पोस्टमास्टर होता है, पोस्टमास्टर जो होता है वो पोस्ट ऑफिस का हेड होता है जैसा कि आप जानते हैं। देन ये जो कहानी स्टार्ट होता है, और ये जो कहानी स्टार्टअप है वो एक इसका जो लोकेशन यूँ कहें या फिर सेटिंग कहें वो एक रूरल एरिया का है इन मैक्सिको। मैक्सिको का एक रूरल एरिया, रूरल एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ पे मतलब हिल माउंटेन वैली वगैरह बहुत सारा है, जहाँ इस तरह का मैक्सिको में एक एरिया है उसी का ये लोकेशन है। देन बिगिंस विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंचोस हाउस। सबसे पहले तो स्टोरी स्टार्ट होता है बिगिन विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंचोस हाउस। लैंचो का घर किस लोकेशन पे है वहाँ से स्टार्ट होता है। एक्चुअली जो लैंचो का घर है वो एक वैली में है, वैली मतलब हो गया पहाड़ी क्षेत्र, एक लिटिल हिल है, माउंटेन है छोटा सा, जहाँ पे लैंचो का घर है सिचुएटेड है, और वो वहाँ का रेसिडेंस है। और लैंचो के घर में उसकी वाइफ और वो और उसके बच्चे रहते हैं। लैंचो का हाउस एक ऐसे जगह पे सिचुएटेड है जहाँ से वो अपना कॉर्न फील्ड को या फिर वहाँ पे उसका जितना भी फील्ड है, जो भी वैली है, जो भी रिवर्स वगैरह है उसको वो देख सकता है। और अभी लैंचो जो है अपने फील्ड में कॉर्न को क्रॉप्स किया, ठीक है, कॉर्न क्रॉप्स किया। तो वहाँ पे जो होता है लैंचो न्यू हिज फील्ड अल्टीमेटली। लैंचो को ये पता होता है कि उसका जो कॉर्न है वो बहुत ज़्यादा उसको बेनिफिट्स देने वाला है, बट अभी देन ओनली थिंग रिक्वायर्ड वॉज ए डाउनपोर। लेकिन उसका लैंचो ये जान चुका है कि उसका फसल पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उसका फसल को तैयार करने के लिए सबसे जो हैवी मेन चीज़ है वो आपका एक ही चीज़ रिक्वायर्ड है, वो है रेन, डाउनपोर, बारिश का बूंद। या तो वो हैवी रेन भी हो सकता है, एटलीस्ट शावर, मतलब या तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए या तो कम भी बारिश हो जाए तो काम चल जाएगा। लैंचो प्रेडिक्शन टर्न्स टू, देखिए उसके बाद क्या होता है, लैंचो अपने फसल को लेकर चिंतित है, बारिश नहीं हुई है, तो लैंचो ये बात सोचता है कि काश बारिश हो जाए। और इसी सिचुएशन में क्या होता है ना कि वो लैंचो जो है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ देख रहा है, वो पूरी रात सोता नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट में देखते हुए बादल को देख रहा है, आसमान को देख रहा है। और देन कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि लैंचो का जो बात ये होता है, ये बात बिल्कुल सही हो जाता है, लैंचो प्रेडिक्शन टर्न्स ट्रू, लैंचो जो चीज़ सोचता है वो बिल्कुल सही हो जाता है। देन ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड इन द नॉर्थ ईस्ट, देखता है नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, क्लाउड का मतलब जो बादल है, बादल का बड़े बड़े पहाड़ नुमा संरचना जो है वो नॉर्थ ईस्ट की ओर आ रहा होता है। देन द एयर स्वीट एंड फ्रेश, उसके बाद आप जानते हैं कि जैसे ही कोई बारिश का मौसम होता है तो एयर कितना स्वीट हो जाता है, फ्रेश हो जाता, तो एयर वहाँ का फ्रेश और स्वीट हो जाता है। ही वेंट आउट जस्ट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग रेन इन हिज बॉडी। उसके बाद क्या करता है, जैसे ही बारिश का बूंद आना प्रारंभ होता है
तो बारिश का बूंद में बूंद को लेंचो जो है, चूँकि लेंचो के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, तो वो क्या करता है, लेंचो उस चीज़ को फील करना चाहता है, रेन को अपने बॉडी पर फील करना चाहता है, इसलिए वो घर से बाहर निकलता और वो रेन का जो ड्रॉप्स है वो अपना बॉडी पर जो है लेता। देन द कंपेयर टू रेन ड्रॉप्स टू टाइप ऑफ कॉइन। उसके बाद क्या करता है लेंचो जो है, चूँकि लेंचो के लिए जो ड्रॉप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैटर करता है, इसलिए क्या करता है लेंचो अपना जो भी ड्रॉप्स है उसको टू टाइप ऑफ कॉइन में कंपेयर करता है। एक बिग कॉइन होता है जो बड़े बड़े बूंद होते हैं उसके बड़े कॉइन्स में कंपेयर करता है, जो छोटे छोटे बूंद होता है उसको छोटे कॉइन्स में कंपेयर करता है। तो जो बड़ा ड्रॉप्स होता है उसको 10 सेंट कॉइन्स में कंपेयर करता है, एंड जो छोटा कॉइन होता है उसको 5 सेंट कॉइन में कंपेयर करता है। ही रिगार्ड्स हिज फील्ड विथ टू फ्लोर ड्रॉप्स इन द सर्टेन टू रेन। उसके पहले क्या होता है, उसका जो कॉर्न फील्ड है, कॉर्न में वाइट फ्लावर्स लग जाते हैं। देन बारिश इतनी ज़्यादा होने लगती है कि उसका जो फील्ड है उसमें, उसके फील्ड में जितना भी फ्लावर्स लगा होता है, कॉर्न फील्ड में जो भी कॉर्न्स का फ्लावर लगा होता है ड्रॉप्ड, वो गिर जाता है इन सर्टेन टू रेन, बारिश के कारण वो सारा जो फ्लावर्स है वो गिर जाता है। थोड़ी अब क्या होता है कि बारिश जो है धीरे धीरे अपना रूप चेंज कर लेता है। पहले जिस तरह का बारिश होता है उससे लेंचो जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है, बट कुछ ही समय में वो बारिश और अधिक होने लगता है, जिसके कारण उसका सारा फ्लावर्स वगैरह तो ड्रॉप हो जाता है। देन थोड़ी ही समय के बाद क्या होता है, वो जो बारिश है वो थमता नहीं है। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। थोड़ी समय के बाद हवा जो है, आंधी हवा बहना चालू हो जाता है अलॉन्ग विद द वेरी लार्ज हेलस्टोन। और हेलस्टोन का मतलब हो गया, आप जानते होंगे कि बारिश में ओले गिरते हैं, बर्फ़ के टुकड़े, तो जो बर्फ़ का टुकड़ा है बिगेन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो जाता है, बड़े बड़े ओले गिरना प्रारंभ हो जाता है। आफ्टर दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के बाद लेंचो जो है कहता है, अपनी पत्नी को कहता है, ही सेज टू हिज वाइफ गेट रियली गेटिंग बैड नाउ। अब ये जो हो रहा है वो बिल्कुल ही खराब हो रहा है, बैड हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। वो सोचता है कि उम्मीद करता है कि ये जल्दी जल्दी ही पासिस हो जाए, मतलब जल्दी से ख़त्म हो जाए। उसके बाद जैसे ही हेलस्टोन वगैरह होना प्रारंभ होता है तो देखता है कि जितना भी कॉर्न है वो लीफलेस हो जाता है, उसके सभी पत्ते झड़ जाते हैं एंड टोटली डिस्ट्रॉयड, और पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जितना ये ऐसा सिचुएशन देखने के बाद लेंचो बोलता है कि इस तरह ए प्लेग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस दिस हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉइन। अब लेंचो बोलता है कि हम लोग का खेत में प्लेग ऑफ लोकस, इसका मतलब हो गया कीड़े मकोड़े, जैसे खेतों में फसलों में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो यदि लेंचो कहता है यदि हम लोग के खेत में कीड़े मकोड़े भी लग जाते हैं, एटलीस्ट कुछ तो जो क्रॉप्स है, कुछ तो जो कॉर्न है वो बच जाता, बट यहाँ पे ऐसा सिचुएशन हुआ है, इतना ज़्यादा बारिश हो गया है कि उसका टोटल पूरा फसल ही डिस्ट्रॉयड हो गया है। देन उसका पूरा फसल बर्बाद होने के बाद उसके पास नथिंग, कुछ भी नहीं बचा है अब पूरा वो साल बिताने के लिए, नो कॉइन, और उसके पास कोई पैसे भी नहीं है। ठीक है, तो इतना सिचुएशन होने के बाद उसका स्थिति बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। सो जैसा कि आप जानते हैं, सभी व्यक्ति का एक कुछ ना कुछ होप होता, उम्मीद होता, आशा होता है, उसी प्रकार बट एवरी वन हैड ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। सभी व्यक्ति के जैसा लेंचो को भी ये उम्मीद होता है कि अब उसका जो मदद है वो गॉड करेगा। देन दैट नाइट लेंचो ओनली ऑफ हिज होप, उसी उम्मीद में लेंचो का वो रात गुजर जाता है और रात भर सोता नहीं है। एंड ही वॉज एन ऑक्स मैन बट स्टिल न्यू टू राइट, चूँकि वो एक ऑक्समैन की तरह कार्य करता है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति है लेंचो,
खेतों में काम करने के बावजूद भी, बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत करने के बावजूद भी, वो स्टिल टू न्यू टू राइट, वो लेटर वगैरह लिखने, उसको पढ़ना लिखना एटलीस्ट आता है, एंड ही राइट ए लेटर। उसके बाद वो क्या करता है, एक वो लेटर लिखता है टू गॉड, इट वाज हिज लेटर टू गॉड, जहाँ से ये जो स्टोरी है उस स्टोरी का शीर्षक पता चलता है, ठीक है, जो कि होता है ए लेटर टू गॉड। देन अब क्या होता है, इन द लेटर ही डिमांडेड 100 pesos। अब क्या होता है, चूँकि लेंचो के पास कोई पैसा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, क्रॉप्स भी नहीं होता, उसका कॉर्न भी पूरा डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो वो गॉड को एक लेटर लिखता है जिसमें वो मेंशन करता है कि उसको 100 pesos की आवश्यकता है, 100 pesos की ज़रूरत है, 100 pesos वहाँ का पैसा होगा, ठीक है। तो वो उस 100 pesos को लेटर में जो है डिमांड करता है, डिमांड करने के बाद उस एनवेलप को ले जाता है, बाजार जाता है और वहाँ का पोस्ट ऑफिस में जमा कर देता है। ए पोस्टमैन टेक्स दिस लेटर लाफिंग हार्टली टू पोस्ट मास्टर। फिर बोलता है जो पोस्टमैन है उस लेटर को देखता है, चूँकि उसमें जो एड्रेस था, एड्रेस मेंशन किया था टू गॉड, गॉड का एड्रेस मेंशन किया था, वो जो पोस्टमैन था वो फर्स्ट टाइम में ऐसा लेटर देख रहा था कि कोई गॉड को लेटर लिख रहा है। देन इस बात को देखते हुए उसको हर्टली मतलब पूरा दिल से हंसी आ जाता है और उस लेटर को ले जाके वो क्या करता है, पोस्ट मास्टर को देता है, पोस्ट मास्टर जो पोस्ट ऑफिस का हेड है। पोस्ट मास्टर फैट एमिएबल फेलो गेट सरप्राइज। पोस्ट मास्टर जो है फैट एमिएबल फेलो है और वो बहुत फ्रैंकली है एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा फ्रैंकली है, तो वो भी ये चीज़ को देख कर पूरा सरप्राइज जाता है, लाफिंग करता है। देन पोस्ट मास्टर भी क्या करता है, वो लेटर को पढ़ता है, देन उसमें जो डिमांडेड बात था उसको वो पूरा करने के लिए चाहता है। तो पोस्ट मास्टर नहीं चाहता कि जो यानी कि राइटर्स का मतलब यहाँ पे लेंचो है, लेंचो के बदले में यूज किया गया, तो लेंचो का वो फेथ को यानी भगवान के प्रति जो भरोसा है वो नहीं तोड़ना चाहता है। एंड स्टिल इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम कलेक्ट 100 pesos। फिर वो ही डिसाइडेड टू आंसर दिस लेटर। वो सोचता है कि इस लेटर का आंसर दिया जाना चाहिए और वो देता भी है, बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाता है ना कि जो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर है उसके पास भी 100 pesos नहीं होता है। तो जब 100 pesos उसके पास नहीं होता है तो वो क्या करता है ना कि वो एक चैरिटी करता है जिसमें कि अपना कुछ एम्प्लॉय से, कुछ अपना पेमेंट में से, कुछ इधर उधर से दोस्त वगैरह से चैरिटी करके वो एटलीस्ट अराउंड ऑफ 100 pesos, बट 100 pesos पूरा नहीं होता है, वो 50 pesos से अधिक कर पाता है, यानी कि जो वो टोटल होता है वो 70 pesos होता है। 70 pesos को वो कलेक्ट करता है, उस 70 pesos को क्या करता है, ही पुट्स द कलेक्शन इन एन एनवेलप एंसर द टू लेटर्स। वो क्या करता है लेंचोस, वो उस लेटर को सॉरी वो उस पैसोज को एक इन्वेलप में फिर से पुट करता है, डालता है और लेंचो का जो एड्रेस है उस पर उसको भेज देता है विथ जस्ट ए सिग्नेचर टू गॉड। सिर्फ उसमें एक सिग्नेचर दे देता है जिसमें गॉड लिखा होता है, गॉड का सिग्नेचर, ठीक है। अब थर्ड जो पैराग्राफ हम लोग का वो है, यहाँ से स्टार्ट होगा, फॉलोइंग संडे ही रीच्ड ए बीट अर्लियर दैन यूजुअल। अब अगला जो संडे आता है, लेंचो बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है वो अपना लेटर को पढ़ने के लिए, जो लेटर पढ़ने के लिए वो रेडी रहता है, वो सोचता है कि अगला जो संडे है वो उसका लेटर आएगा कि नहीं आएगा या क्या होगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंट होता है कि उसका लेटर ज़रूर आएगा। तो अगले संडे को क्या होता है कि लेंचो जो है अपना पोस्ट ऑफिस जो है वो अर्लियर मतलब पहले ही पहुँच जाता है, ठीक है। देन वो क्या करता है कि जब लेंचो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर से लेटर मांगता है, उसका रिप्ले का जो लेटर वो मांगता है, तो सेम पोस्ट मास्टर पोस्टमैन जो पोस्टमैन ने पहले लेटर लिया था वही पोस्ट मास्टर जो है उसको हैंडेड करता है एक लेटर को। सेम पोस्टमैन हैंडेड हिम द लेटर, एक लेटर को उसको देता है। लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज। एक्चुअली यदि गॉड हम लोग को एक लेटर देता है तो हम लोग क्या होंगे कि सरप्राइज हो जाएंगे, आओ वाओ गॉड हमको लेटर लिखता, जो कि ऐसा नहीं। फिर भी वहाँ जो लेंचो है, लेंचो को गॉड के प्रति इतना ज़्यादा फेथ होता है कि वो उसका लेटर को देखकर भी बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज
इंस्टेड ही बिकम एंग्री, बल्कि वो क्या होता है उस लेटर को देखकर बिल्कुल और गुस्सा आ जाता है, क्रोधित हो जाता है, क्योंकि ही काउंटेड द मनी, वो पैसे को गिनता है, क्योंकि वो जब पैसे गिनता है उन्होंने डिमांड किया था 100 पैसोस, बल्कि उसके बदले में उसको 70 पैसोस ही आया था, इसलिए वो क्या करता है एंग्री करता है, वो गुस्सा जाता है गॉड पर। एंड फिर से वो वहाँ का पोस्ट ऑफिस का खिड़की पे जाता है, कॉपी पेन मांगता है और फिर से वो एक लेटर जो है लिखता है, राइटिंग अनदर लेटर विथ रिंकलिंग ऑफ हिज ब्लो। तो रिंकलिंग का मतलब होगा गुस्सा से, फ्रस्ट्रेशन से, ऐसा मतलब उसको लेटर लिखा नहीं जा रहा, फिर भी वो गुस्सा से लिख रहा है एक लेटर। एंड पोस्टमास्टर जैसे ही वो लेटर लिखता है, लेटर लिखने के बाद उस पोस्ट ऑफिस में क्या करता है फिर से वो जमा करता है। देन फिर क्या होता है, तुरंत पोस्ट मास्टर इमिडिएटली गोज टू ओपन इट, उस लेटर को जस्ट ओपन करता है। जैसे ही वो अगेन लेटर लिखता है उसमें 30 पैसोस को डिमांड करता है, क्योंकि उस 30 पैसोस का उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, उसका नीड होता है, उसको उस पैसोस का बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है। ठीक है, तो उसमें पढ़ता है कि लेंचो जो मेंशन किया है, लेंचो मेंशन किया है कि गॉड आपने जो लेटर भेजा उस लेटर में आपने मुझे 70 पैसोस ही दिया। फिर उनको ये भी मतलब एहसास होता है कि गॉड गलती तो नहीं कर सकता, वो उस लेटर में मेंशन करता कि आपने कोई गलती नहीं किया होगा, मुझे पता है कि आपने 100 पैसोस दिया होगा, लेकिन 30 पैसोस जो है वो आपका पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉयज़ है वो खा गया, मतलब ले लिया, ठीक है, तो वो चोरी कर लिया, ऐसा उसको आरोप लगाता है। उसके बाद क्या होता है, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स, वो उसमें मेंशन करता है कि पोस्ट ऑफिस में जितना भी एम्प्लॉयज़ है वो क्रुक्स है, बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब हो गया डिसऑनेस्ट, मतलब फ्रॉड है, चोर है, ईमानदार नहीं है, ठीक है। और इतना कहते हुए और ये जो स्टोरी वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट, इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलता है कि गॉड के प्रति क्या फेथ था लेंचो का, उसके बारे में हमें जानकारी मिलता है। सो लेंचो का इतना ज़्यादा फेथ करना मेरे ख्याल से गुड नहीं है, क्योंकि लेंचो जो है सेटिस्फाई था कि वो कोई अदर वर्क करके अपना भोजन वगैरह को जो है फिर से हासिल कर सकता था, बट वहाँ पे लेंचो जो है गॉड पे पूरा तरह से आश्रित हो जाता है। इवन उसके पास बिल्कुल उस वक्त तो परेशानी था, लेकिन थोड़ा सा परेशानी, इस तरह का परेशानी हर एक जीवन में होता है। सो गाइस, आपने इस कहानी से यही सीखा कि हम लोगों को हमेशा जो है भगवान पे आश्रित नहीं होना चाहिए, ये तो एक इमेजिनेशन था, सच में तो ऐसा हुआ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं कि हम लोग को भी भगवान पे आश्रित हो जाना चाहिए, भगवान पे ऐसा एक लेटर लिख के दे देंगे तो वो हमें हेल्प कर देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो हमें अपने वर्क को प्रॉपरली अच्छे तरह से करना चाहिए, देन हमको इस चीज़ पर, यदि वो वर्क कम्प्लीटली नहीं होता तो उस पर और मेहनत करना चाहिए, और हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। गॉड पर भरोसा तो करना चाहिए, लेकिन गॉड पर छोड़ देना, अपने आप को गॉड पर जिम्मेवार कर देना, जिम्मेदारी गॉड को नहीं देना चाहिए, ठीक है। सो गाइज, मैं सुमन कुमार आपका ये लेसन कम्प्लीट करके अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। सो मिलते हैं अब अगले टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।